हेलो गाइस, आज जो बताना है HDFC बैंक का नेट बैंकिंग का फॉरगेट पासवर्ड कैसे बनाना है, पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे। HDFC बैंक का नेट बैंकिंग का पासवर्ड किसी भी रीजन से भूल गए, को याद नहीं आ रहे, पासवर्ड चेंज करना चाह रहे, तो पासवर्ड कैसे चेंज करना, एक का बाद एक स्टेप आपको बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टैक टिप विश्वजीत, पूरा वीडियो आप देखिए। चलिए शुरू कर रहा हूँ गाइस। लैपटॉप पे आ गया। लैपटॉप पे आने के बाद HDFC बैंक का फॉर्मेट पासवर्ड कैसे बनाना है वो लाइव बताएंगे गाइस। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे HDFC बैंक बोल के लिख के आप सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद HDFC बैंक का ऑफिशियल साइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए www.hdfcbank.com बोल के लिखे सो आ गया गाइस। यहाँ पे देखिए HDFC बैंक पर्सनल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग सर्विस बोल के लिखे सो आ रहे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे लॉगिन बोल के लिखे सो आ रहे, देखिए लॉगिन को सिलेक्ट करिए गाइस। यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग बोल के लिखे सो आ रहे, यहाँ पे नेट बैंकिंग पे ही रख देना। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए लॉगिन बोल के लिखे सो आ रहे, लॉगिन को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाइए गाइस। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू न्यू लॉगिन पेज फॉर नेट बैंकिंग बोल के लिखे सो आ रहे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए गाइस। देखिए ये पेज पे आ जाती है। पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन टू नेट बैंकिंग बोल के लिखे सारे, नीचे देखिए कस्टमर आईडी एंड यूजर आईडी बोल के लिखे सारे। यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी डालना पड़ता, कस्टमर आईडी आपको पासबुक में मिल जाते हैं। यहाँ पे कस्टमर आईडी यहाँ पे डाल दीजिए गाइस। यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी डाल देता हूँ, कस्टमर आईडी डाल के आपको बताएंगे गाइस। देखिए मैं कस्टमर आईडी डाल दिए। डालने के बाद नीचे देखिए कंटिन्यू बोल के लिखे सारे, कंटिन्यू करिए गाइस। कंटिन्यू करने के बाद ये पेज पे आ जाती है। पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन टू नेट बैंकिंग कस्टमर आईडी एंड यूजर आईडी बोल के लिखे सारे। उसके नीचे देखिए यहाँ पे पासवर्ड एंड आई पिन बोल के लिखे सारे। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ता, पासवर्ड डालने के बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। बस तो पासवर्ड ही नहीं है, आप तो भूल गए। अब पासवर्ड कैसे लेना यहाँ पे आपको बताएंगे गाइस। यहाँ पे पासवर्ड डालने का उसका नीचे देखिए फॉरगेट पासवर्ड एंड आई पिन बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी डालना पड़ता। जैसे आप कस्टमर आईडी चेंज करे, आप शॉर्टकट कस्टमर आईडी लिए, वो कस्टमर आईडी यहाँ पे डालना पड़ता। मैं भी चेंज करा, मेरा जो HDFC बैंक से जो कस्टमर आईडी दिए थे वो कस्टमर आईडी मैं यूज नहीं करते, मैं कस्टमर आईडी नया बनाए से, तो मैं जो कस्टमर आईडी नया बनाए से वो कस्टमर आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। कस्टमर आईडी कैसे चेंज करते उसका भी आपको जानकारी होना बोलो तो आप वीडियो में कमेंट करिए, उसके लिए भी वीडियो बना देंगे कस्टमर आईडी कैसे चेंज करना। आप शॉर्टकट कस्टमर आईडी ले सकते, जैसा आपका HDFC बैंक में कस्टमर आईडी जो पासबुक में रहते अनकॉमन रहते, आपको याद नहीं रहते, आपका हिसाब से आप कस्टमर आईडी सेट कर सकते। यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी में डाल देता हूँ गाइस। देखिए मैं कस्टमर आईडी डाल दे, नीचे गो बोल के लिखे सारे, गो करिए गाइस। देखिए ये पेज पे आ जाती है। पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी जो डाले यहाँ पे बता देता, कस्टमर आईडी आप एक बार देख लीजिए। उससे बाद यहाँ पे देखिए आपके पास डेबिट कार्ड रहे तो डेबिट कार्ड से भी फॉरगेट पासवर्ड बना सकते हैं, नहीं तो आप नीचे सिलेक्ट करिए। नीचे सिलेक्ट करे तो वन टाइम पासवर्ड आपके पास आता आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर पे आते, एक आपका ईमेल आईडी पे आते, ओटीपी डालने के बाद ही कर सकते। तो मैं डेबिट कार्ड से भी नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे नीचे का सिलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे मैं कैप्चा डाल देता हूँ गाइस। देखिए मैं कैप्चा डाल दिए। डालने के बाद नीचे देखिए कंटिन्यू बोल के लिखे सारे, यहाँ पे कंटिन्यू करिए गाइस। देखिए ये पेज पे आ जाती है। पेज पे आने के बाद बैंक पे आप जो ईमेल आईडी दिए से यहाँ पे ईमेल आईडी को बता दे रहे, आप ये ईमेल आईडी बैंक में दिए से ईमेल आईडी यहाँ पे बता दे रहे। उससे नीचे देखिए आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ता। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ गाइस। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी बता दिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल दिए। डालने के बाद नीचे देखिए कंटिन्यू बोल के लिखे सारे, यहाँ पे कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका SMS में एक OTP आता, एक ईमेल आईडी पे OTP आता, दोनों OTP यहाँ पे डालना पड़ता। ईमेल आईडी का भी जो OTP है ईमेल आईडी में डालना, SMS में जो आए आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है मोबाइल नंबर पे आते, दोनों OTP यहाँ पे डाल दीजिए। OTP यहाँ पे डाल के आगे बताएंगे गाइस। देखिए यहाँ पे 3 digit का आपको OTP आता, आपको मैसेज में भी 3 digit का आता, ईमेल आईडी पे भी 3 digit का आता, दोनों OTP मैं डाल दिए। डालने के बाद नीचे देखिए कंटिन्यू बोल के लिखे सारे, यहाँ पे कंटिन्यू करिए।
कंटिन्यू करने के बाद आपका जो इंटरनेट बैंकिंग का जो फोटो सेट है यहाँ पे बता दे रहे, आपका मोबाइल बैंकिंग पे भी जो फोटो रहते आपका इंटरनेट बैंकिंग पे भी सेम फोटो रहते, मोबाइल बैंकिंग का भी जो पासवर्ड है इंटरनेट बैंकिंग का भी वही पासवर्ड है, HDFC बैंक का एक ही पासवर्ड रहता मोबाइल बैंकिंग का इंटरनेट बैंकिंग का। उससे बाद नीचे देखिए न्यू IPIN पासवर्ड बोल के लिखे सो आ रहे, यहाँ पे डालना पड़ता। उसका नीचे देखिए कंफर्म न्यू IPIN पासवर्ड बोल के आ रहे, यहाँ पे दो बार पासवर्ड डालना पड़ता। गाइस देखिए जो पासवर्ड में पहले रखा था वैसा मिलता जुलता पासवर्ड नहीं रखना, दूसरा पासवर्ड यहाँ पे बनाना पड़ता, मिलता जुलता रहे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। गाइस यहाँ पे देखिए 8 अक्षर से 15 अक्षर आप डाल सकते, 8 अक्षर से नीचे नहीं डालना, 15 अक्षर के ऊपर नहीं डालना। पासवर्ड बनाना 8 अक्षर का 15 अक्षर का बीच में बनाना। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल देता हूँ, मैं डाल के आगे बताएंगे। गाइस देखिए ऊपर पासवर्ड डाल दिए, नीचे भी कंफर्म न्यू पासवर्ड जो डालना है ऊपर जो पासवर्ड डाले नीचे भी सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। गाइस देखिए न्यू जो पासवर्ड बनाना था मैं डाल दिए, डालने के बाद गाइस नीचे देखिए एक बॉक्स है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म कर दीजिए। गाइस देखिए सक्सेसफुली मेरा पासवर्ड सेट हो गया, यहाँ पे देखिए चेंज पासवर्ड कंप्लीट बोल के लिखे सो आ रहे, ये चेंज पासवर्ड जो मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे सक्सेसफुल बोल के भी देखिए आ गया। मेरा जो नेट बैंकिंग का फॉर्मेट पासवर्ड मैं चेंज करने का आपको लाइव बताया, को लॉगिन करके भी आपको बताएंगे। गाइस देखिए लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखिए क्लिक हियर बोल के जो लिखे सारे यहाँ पे सिलेक्ट करिए। गाइस देखिए आपको लॉगिन पेज पे लेके आ गया, यहाँ पे लॉगिन करके आपको बताएंगे। यहाँ पे कस्टमर आईडी मैं डाल देता हूँ पहले। गाइस देखिए मैं कस्टमर आईडी डाल दिए, डालने के बाद नीचे देखिए कंटिन्यू बोल के लिखे सारे कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद गाइस देखिए ये पेज पे आ गए। गाइस देखिए कस्टमर आईडी डालने के बाद को पासवर्ड डालने का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब जो फॉरगेट पासवर्ड न्यू पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डाल के आपको बताएंगे। जो न्यू पासवर्ड अभी बनाया से यहाँ पे पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। गाइस देखिए जो न्यू पासवर्ड में बनाया यहाँ पे डाल दिए, डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपको जो फोटो लगे सो है आपका इंटरनेट बैंकिंग में यहाँ पे बता दे रहे, यहाँ पे जो बॉक्स है यहाँ पे सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद लॉगिन करिए। गाइस देखिए सक्सेसफुली मेरा लॉगिन हो गया, यहाँ पे सेव करने के लिए बोल रहे। देखिए HDFC बैंक का जो फॉरगेट पासवर्ड बनाया, फॉरगेट पासवर्ड बनाने के बाद आपको लॉगिन करके भी आपको बताया कि पूरा फ्यूचर देखिए आपको ओपन हो गया, क्या क्या प्रोसीजर था वो पूरा आपको लाइव बताया। तो HDFC बैंक का जो फॉरगेट पासवर्ड बनाने का जो एक के बाद एक स्टेप है पूरा प्रोसीजर आपको बताया। लॉगिन होने के बाद हर चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते, तो फॉरगेट पासवर्ड बनाने का जो प्रोसीजर एकदम इजी है। मैं डेबिट कार्ड यूज नहीं करे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यूज करके फॉरगेट पासवर्ड बना के आपको बता दिए, आपको लाइव बता कैसे आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। कस्टमर आईडी चेंज करना उसका भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। गाइस पूरा वीडियो में आपको बताया HDFC बैंक का नेट बैंकिंग का फॉरगेट पासवर्ड कैसे सेट करना, आपको पूरा वीडियो में पूरा प्रोसीजर आपको बताया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, टेक केयर।